आर्ट्स स्ट्रीम में जैक बोर्ड से थर्ड टॉपर की, मतलब पूरे राज्य में? जी सर, झारखंड में थर्ड टॉपर। और आपके पापा जो हैं? सब्जी बेचते हैं। पापा मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आगे कुछ बनना चाहती हूँ। तो बहुत हुआ था हम लोग के पढ़ाने में, लेकिन पैसा के कमी से हम लोग। हम एक मैकेनिकल है। अच्छा, निशा की माँ के लिए ये पल किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। जब वो मंच की तरफ बढ़ रही थी तो उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी बेटी की वजह से न सिर्फ वो अपने गांव, शहर बल्कि पूरे राज्य में चर्चा में आ जाएगी। दरअसल निशा ने ऐसा कुछ किया है जिस पर सिर्फ ना उसकी माँ को गुमान है बल्कि उसके शहर, उनके गाँव, सबको फख्र हो रहा है। निशा वर्मा के लिए मिला है, हड्डी है मेरी, झारखंड बोर्ड में स्टेट टॉप लाई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। खेती बाड़ी करते हैं। संघर्ष तो बहुत हुआ था हम लोग के पढ़ाने में, लेकिन पैसा के कमी से हम लोग 3 लाख। जी, 3 लाख रुपए का चेक बहुत मदद करेगा। बेटी को पढ़ाएंगे। धनबाद की रहने वाली पूनम का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। ओलंपियाड में परचम लहराने वाली पूनम कहती है कि उसके पिता किसान हैं, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रही है, लेकिन वो सरकारी स्कूल में ही पढ़कर आईएएस बनेंगी। सरकार ने पूनम के इस उपलब्धि के लिए उसे सम्मानित किया है। पूनम को भी सरकार ने लैपटॉप दिया है। पूनम कहती है इस लैपटॉप के जरिए वो सब कुछ देख सकती है, पढ़ सकती है, जिसे देख और पढ़ने का वो सपना देखा करती थी। पूनम कुमारी, साइंस में सिल्वर मेडल मिला है, उच्च विद्यालय बड़ादा, धनबाद जिला। मेरे पापा फार्मर है। आईएएस पढ़ाई में दिक्कत भी आती है? पैसे की वजह से आती है। पापा मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आगे कुछ बनना चाहती हूँ। सरकारी स्कूल से आगे पढ़ना चाहते हैं, वेरी गुड। तो ये जो आपको लैपटॉप मिलेगा अभी, इससे कितना हेल्प होगा आपका? आजकल के पढ़ाई में बिना लैपटॉप बिना मोबाइल के पढ़ाई होता नहीं, और मेरे पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है, इससे मुझे बहुत हेल्प होगा। और मेरे गांव के विनोद बिहारी मातो है जिन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था, तो मैं उनके सपनों को साकार करना चाहती हूँ। आंचल कुमारी। आंचल, आपका नाम है, और ये कौन है? मेरे पापा। आपके पापा है, आप क्या करते हैं? हम तो सब्जियाँ बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? हाँ, बड़का गांव में किनते हैं एक रोजा। हाँ। और दूसरा दिन हजारीबाग में आके बेचते हैं, सब फिर शाम के जाते हैं। अच्छा, तुम क्या की हो, मतलब यहाँ क्यों आई हो? सर, मैं बड़का गांव प्लस टू हाई स्कूल की छात्रा हूँ, और मेरा नाम आंचल कुमारी हुआ। मैं आर्ट्स स्ट्रीम में जैक बोर्ड से थर्ड टॉपर की, मतलब पूरे राज्य में? जी सर, झारखण्ड में थर्ड टॉपर। और आपके पापा जो है? सब्जी बेचते हैं। बेचते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या मिला है आपको? एक लैपटॉप मिला है। ये लैपटॉप मिला है जी सर, और ये मोबाइल मिला है, और ये 1 लाख रुपए का चेक चेक मिला जी सर। ठीक है। तो आप कितना दिक्कत होता था आपको पढ़ाई में, ये बताइए? बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता था ना, मोबाइल था, मतलब कुछ भी नहीं था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना वो सब नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई होता ही था, करते थे पढ़ाई जी सर। और आज का आधुनिक युग में अगर ये ना रहे तो इसके बिना पढ़ाई करना मुश्किल होता था। इसके लिए मम्मी ने 15,000 मतलब मंडल से कर्जा लेके मोबाइल खरीद दी थी। मतलब कर्जा लेके आपने मोबाइल मम्मी खरीद के दी? हाँ, और यहाँ हजारीबाग में आने में, मतलब आने के दौरान यहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ, रूम रेंट ये सब लगता था, उसके लिए मम्मी कर्जा वर्जा लेके फिर देती है। पापा कभी मना भी किए कि अरे इतना खर्चा हो रहा है, पढ़ाई छोड़ दीजिए? आप मना भी किए थे? नहीं बोले कि तुम जाओ अच्छा से पढ़ो, हम किसी तरह अरेंज कर लेंगे। आप कितना मेहनत कर रहे थे बेटी के लिए? बहुत मेहनत करी, 10-15 साल से मैंने सब्जी बेच रहे रहने। दिक्कत भी होता था कि पैसा का दिक्कत? हाँ, पैसा की दिक्कत है, और अब भूल नहीं चाह पाते, मैंने गुठेवना में दर्द करने लगता है। अच्छा, आपके पास मोबाइल वोबाइल नहीं है? ना, मोबाइल नहीं रखते हैं, चलाने मैंने चला भी नहीं सकते। कैसे पता चला कि मुख्यमंत्री से ये सब मिलने वाला है? अब कैसे, मास्टर साहब हल्ला कर दिया कि चले, चलना होगा हजारीबाग रांची।
तब आगे यहाँ पे 1 लाख रुपए का चेक मिला, अब क्या होगा, इसका क्या कीजिएगा? अब जे करे, अब बेटी का है। हाँ, अब बेटी का है। तुम क्या करोगी? सर मैं इसका मतलब पढ़ाई में और आगे यूपीएससी का तैयारी करना चाहती हो? हाँ, नहीं, जेपीएससी का। जी सर, और इस मतलब यूज करेंगे वही पढ़ाई में ही। पापा अभी एक चीज मुझे बताइए कि ये जो सरकार आपको ये सब दी है, तो आपको कैसा लगा? सरकार को कुछ कहिएगा। कैसे बढ़िया कहेंगे, खराब कैसे कहिए, अच्छा बढ़िया, अच्छा मिला हमको मुख्यमंत्री के बारे में। हाँ, मुख्यमंत्री अच्छा दिया है, तब खराब कैसे लगा, मिल गया तो बढ़िया ना। तुम क्या कहना चाहोगे सीएम को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? मैं सीएम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और जो आज का आधुनिक युग है उसके हिसाब से सारा कुछ सामान दिए हैं, जिससे मेरे पढ़ाई में और अच्छी मदद हो सके। दरअसल सरकार के इस तरह के कदम जो है उन तमाम अभिभावकों के लिए जो अभाव में हैं, एक संजीवनी की तरह होता है। इस तरह के कहानियों को देखकर ऐसे अभिभावक जो आर्थिक तौर पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, या वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, उनके लिए एक मौका होता है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो सरकार भी हमारे साथ खड़ी है। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह, नमस्कार।